चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि हम लोग अपने कैमरा में से एसडी कार्ड निकाले बिना कैसे हम लोग अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वो भी उस सॉफ्टवेयर से जो खुद हम लोग को कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गूगल पे जाना है और हमें, अगर हम कैनन के यूज़र है तो हमें उसमें लिखना है EOS यूटिलिटी। EOS यूटिलिटी हम जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे, हमें जो सबसे पहला ऑप्शन लिख के आ रहा है EOS यूटिलिटी 3.10, हम लोग उस पर क्लिक कर लेंगे, जो कि कैनन की इंडिया की वेबसाइट है। उस पे हम लोग का जो सबसे पहला पेज है उसमें ही डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। कितना इजी काम बना दिया उन लोगों ने। हम लोग उसी पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। एंड हम लोग जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी ये जो फाइल है वो डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगी और ये लगभग डाउनलोड हो गया है। अभी हम लोग अपने कैमरा पे आएंगे। अब हम लोग को अपने कैमरा की मेन्यू ऑप्शन पे जाना है और उसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वाईफाई का, उस पर हम लोग अपने वाईफाई की सेटिंग्स को इनेबल कर देंगे, इनेबल नहीं है तो। और उसके बाद हम लोग अपने वाईफाई के सेटिंग्स में जाएंगे। फिर हम लोग को जैसे लैपटॉप पे सेलेक्ट करना है तो हम लोग अपनी लैपटॉप को की डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और ऐड करने के बाद हम लोग में यहाँ पे SSID है और पासवर्ड को जिसमें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो हम लोग अपने लैपटॉप पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे अब हम लोग आते हैं। और लैपटॉप की स्क्रीन में जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को। अब हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग को ये नाम कुछ इस तरीके का नीचे दिखा रहा है मेरे को। ये पहले से कनेक्टेड है, दूसरा है EOS वाला, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है इस पर मैं यहाँ पर जो सेम पासवर्ड जो स्क्रीन में था वो यहाँ पर टाइप करके इसको कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद EOS यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर जो हम लोग ने डाउनलोड किया है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को कैमरा में कुछ इस तरीके से पूछेगा स्टार्ट पेयर हम लोग को करना है या नहीं करना। हम लोग इस पर ओके कर देंगे और हमारा ये डिवाइस जो है लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम लोग का कैमरा का जो IP एड्रेस है सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना अभी रिफ्रेश होके स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ चुका है ये, एंड अभी हम लोग को इस पर सेलेक्ट करने के बाद उसको कनेक्ट पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स के बाद ही यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो खुद EOS यूटिलिटी का वर्जन 3 है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं कि या तो मैं सारी की सारी फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लूँ, अभी मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा, डाउनलोड इमेजेस टू कंप्यूटर, जितनी भी फ़ोटोज़ कैमरा में ली उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। या तो स्टार्ट ऑटोमेटिक डाउनलोड सारी हो जाएंगी या फिर मेरे को कुछ कुछ ही डाउनलोड करनी है तो मेरे को सेलेक्ट एंड डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने ली हुई हैं, अब मेरे को एक ही दो फ़ोटोज़ इस पर चाहिए अपने PC पे, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा एंड नीचे ही मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूँगा एंड ये यहाँ पे मेरे को लोकेशन बता देगा या फिर हम लोग लोकेशन अपनी चेंज भी कर सकते हैं। ओके करूँगा, यहाँ पे मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है कुछ सेकंड्स में। एंड अब मैं ये देखिए ये खुल भी गई है, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखा दे रहा कैसे है। ये है जो फ़ोटो मैंने ली थी एंड ये बिना वायर के कनेक्ट किए यहाँ से वाईफाई के थ्रू हो चुकी है। एंड अगर आपको वीडियो अभी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ से हम एंड में अपने कैमरा पे डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं और फिर कनेक्शन इसमें से ब्रेक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।